हेलो दोस्तों, रूपल स्टड फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टड फार्म के ये सब कबूतर आप देख सकते हो, इसके अंदर अलग अलग जाति के कबूतर है और इसके अंदर मोर पींच है, अलग अलग जो है चार पांच जाति के इसके अंदर सब कबूतर है। एक कबूतर मेरे पास फार्म के अंदर तकरीबन 100 के करीब कबूतर हो चुके हैं। तो जो भी अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर को ये कबूतर चाहिए तो मैं फ्री में कबूतर दूंगा। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हो और आप कहाँ से हो, मेरे नज़दीकी होंगे तो मैं उन्हें फ्री में ये कबूतर दे दूंगा। मेरे को इसके कोई पैसे नहीं चाहिए, बस ये कबूतरों को अच्छी ठिकाने पर अच्छी तरह सुखी रहने चाहिए, इनको टाइम से खाना पीना मिलता रहे, तो मैं कबूतर गिफ्ट के तौर में दे दूंगा। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, जितने कबूतर चाहते हो आप इतने ले जा सकते हो, ताकि मेरे पास कबूतर बहुत से कबूतर रह चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं सब कबूतर फ्री में आप सबको दे दूंगा। साथ में पिंजरा भी आप देख सकते हो ये कबूतरों का, और इसके अंदर मोर पींच है, बहुत अलग अलग जाति के सब कबूतर है, और कबूतर आगे चरने के लिए जंगल में गए हुए है। ये जितने यहाँ पे थे उतना मैं ये वीडियो बनाया है आप सबको दिखाने के लिए। ये सब कबूतर मेरे को पैसे नहीं लेने, इसके फ्री में कोई फार्म हाउस पे रखना हो किसी के, या किसी किसान परिवार को चाहिए शौक के जरिए पे, तो मैं ये इसको दूंगा। आप देख सकते हो कबूतरों को, ये ऑल कबूतर मेरे पास 3-4 जोड़ ही मैं रखूँगा कबूतरों की, और बाकी के सब कबूतर मैं फ्री में दूंगा, इसके कोई पैसे नहीं चाहिए। ये कबूतरों का पिंजरा है, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, ये इनका घर है, आप देख सकते हो मैंने दो दो पिंजरे बनाए हुए हैं कबूतरों के लिए। हमारे फार्म पे शौक के जरिए मैं रखता हूँ, पर अभी मेरे पास कबूतर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ, ताकि और मेरे पास मैं 4-5 जोड़ रखूँगा और सब मैं फ्री में दे दूँगा, और अच्छी सूखी जगह होगी तो ही मैं दूँगा। और मेरे फार्म के आसपास वाले जो गांव वाले जो वीडियो देखते हैं तो उनको चाहिए तो जल्द से जल्द मेरा कॉन्टेक्ट करिए। आप देख सकते हो बतख भी आ चुकी है दाना खाने के लिए, वीडियो के अंदर आप सबको दिखेगी, और एक एक कबूतर बतखों से थोड़ा डर कर फटाफट खाकर उनके पिंजरे में जा रही है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, ये हमारा अभी फार्म के अंदर बारिश का जो जरिए में सब ऐसा हो चुका है पूरा फार्म, आप देख सकते हो। ये मुर्गा आप देख सकते हो, आप सब तो इसको देख के पता है आपको, बहुत महंगा आता है, इसका नाम है कड़कनाथ। जो भी मुर्गे रखते हैं उनमें मैं बोलूँ कड़कनाथ आप रखो, ताकि उससे बहुत बेनिफिट होता है, कड़कनाथ जाति रखने से मुर्गे की। बहुत सुंदर कबूतर है, एक से एक आप देख सकते हो फार्म के अंदर कितने एंजॉय करते हैं सब कबूतर, बहुत बढ़ गए, इसीलिए मैं फ्री में दे रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए कबूतरों का। जो भी अपना व्यूअर सब्सक्राइबर ये कबूतरों को लेना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना गांव का नाम और अपना नंबर छोड़े, ताकि मैं उनसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। कितना शाम का नज़ारा, कितना बेहतरीन है, वो भी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। और हमारे आजू बाजू सब जंगल है, खेती बाड़ी है, तो वहाँ से देसी कबूतर जो बोलते हैं वो भी इधर आके, उसने भी उसका घर बनाया हुआ है ये पिंजरे के अंदर, आप देख सकते हो ये उड़ा है, ये है देसी कबूतर, आपको दिखता होगा वीडियो के अंदर, उसने भी एक घर बनाया है इधर आके। आप देख सकते हो कबूतर सब, अमुक कबूतर खा के पानी पी रहे। जो भी ये कबूतरों को
रखना चाहता हो अच्छा सुखी तरह, तो जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करिए रूपल स्टर्ड फार्म का। और प्लीज़ कोई इसके लिए कबूतर के लिए कॉल मत करिए, पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को, तो मैं खुद आपका कॉन्टेक्ट कर लूँगा। बहुत से कबूतर है मेरे पास, आप देख सकते हो, बतख भी है। ये बतख मेरे को देने की नहीं है, मेरे फार्म के लिए रखी है मैंने। बतख जो भी व्यूअर्स हो अपना सब्सक्राइबर उसका फार्म हो तो वहाँ पे कबूतर है, मुर्गा है, ऐसी बतख है, वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है और फार्म की जो सुंदरता और बढ़ाती है। ये कबूतर है, मुर्गा है, बतख है, वो फार्म की आन बान और शान है, मेरा ऐसा मानना। इसीलिए हमने सब जानवर रखे हुए हैं। और मेरे पापा है, उनको तो ये सब पशु पक्षी का बहुत शौक है। मेरे पापा को उनके साथ साथ हमें भी शौक लगा हुआ है ये सब जानवरों का। और आज जो भी हम है, जो तरक्की के मोड़ पे, आज ये सब बदजुबान जो जानवर है उन्हीं की बदौलत है से ही हम आगे है। आज इन्हीं की सेवा करके हम आज जो तरक्की के मोड़ पे है, इन सब की सेवा करके ही हम आज आगे है। और हाँ, रूपल की और उसके बच्चे की वीडियो आएगी बहुत जल्द, बस थोड़ा सब्र करिए आप सब, क्योंकि अभी इधर बारिश बहुत है इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। जैसा वीडियो बनाऊंगा रूपल के और उसका जो बच्चा है रूपराज, उसका मैं स्पेशल वीडियो बना के आप सबके लिए डालूंगा। ओके, थैंक यू।